हरदोई में जिला संसाधन केंद्र हरदेवगंज नगर क्षेत्र हरदोई पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह के दिशा निर्देशन में 10 विकास खंड के समस्त एआरपी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह ने कहा कि समस्त एआरपी का यह दायित्व है कि अपने बीईओ के साथ मिलकर निपुण ब्लॉक बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें और यह लक्ष्य कोई कठिन लक्ष्य नहीं है। यदि अपने ब्लॉक के शिक्षक साथियों को प्रेरित करते हुए कार्य किया जाए तो संभव है कि लक्ष्य को पूर्व ही हासिल किया जा सके। यदि हम अपने भारत देश को विश्व गुरु का दर्जा वापस दिलाना चाहते हैं तो हम लोगों को इस दिशा में एकजुट होकर प्रयास करना होगा। हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जबकि ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, चीजें बहुत ही शीघ्रता से बदल रही है। यदि इस समय हम न सचेत हुए तो काफी पीछे भी छूट सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन पर कार्य करती है। उसी प्रकार हमें भी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से करना है, तब निश्चित ही हम लोगों के निपुण जनपद का सपना साकार होगा। जिला समन्वयक प्रशिक्षण राकेश शुक्ला द्वारा समस्त विकास खंडों में कक्षा 4वीं और 5वीं का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सूची तैयार कर लेने को कहा। एसआरजी सदस्य आशीष कुमार मिश्र द्वारा समस्त एआरपी को गोद लिए गए 10 विद्यार्थियों की निपुण विद्यालय कार्य योजना शीघ्र 10 दिसंबर तक जमा करने को कहा गया। उन्होंने सभी को प्रेरित करते हुए कहा कि बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेरणा गुणवत्ता ऐप से संबंधित कुछ जिज्ञासाओं के बारे में भी चर्चा की गई। प्रथम संस्था से रूमा सिंह ने कक्षा 4वीं व 5वीं के शुरू होने वाले FLN प्रशिक्षण की रूपरेखा पर भी प्रकाश डाला। एआरपी अभय सिंह ने प्रत्येक माह के शनिवार को होने वाली समस्त एआरपी की आपसी बैठक के बिंदुओं को बताया। एआरपी वैभव सिंह ने दीक्षा ऐप पर विद्यामृत महोत्सव के अंतर्गत प्रोजेक्ट पूर्ण करने की प्रक्रिया को समझाया। बैठक में प्रमुख रूप से अभिषेक मिश्र, विवेक गुप्ता, बीना वर्मा, रजनीश द्विवेदी, अभय यादव, शैलेंद्र पटेल, गजेंद्र त्रिवेदी, शिवम गुप्ता, संजय कुमार, रजनीश देवल, राम किशोर, जयप्रकाश सिंह, आदित्य वर्मा, सवेंद्र आदि एआरपी उपस्थित रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।